हेलो आर्ट लवर, कैसे आप लोग। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, क्योंकि हमारा जो विजन है आर्ट वर्ल्ड का, उसमें आप लोग काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो ऐसे ही एक आर्ट लवर ने मुझे कमेंट किया था जब मैंने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में पोस्ट डाला था। तो उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि मैं चलिए ये सब तो सीख गया, अब मुझे सीखना है कलरिंग के बारे में। तो आज चलिए उसी का सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए, जब भी हम कलरिंग की बात करते हैं या शेडिंग की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें समझना पड़ता है। क्योंकि देखिए, मान के चलिए अगर आपको 10th क्लास का मैट्रिक का एग्जाम देना है, तो उससे पहले आपको क्या चीज करना पड़ेगा, आपको जो बेस लेवल का 1, 2, 3, 4 जो स्टेप बाय स्टेप क्लास है उसको अटेंड करना पड़ेगा, तब जाकर के आप 10th क्लास में पहुंचेंगे और तब जाकर के वो मैट्रिक का एग्जाम दे पाएंगे। ओके, तो उसी तरह जब भी आप ड्राइंग पेंटिंग की बात करते हैं, तो ड्राइंग पेंटिंग में भी मास्टर पीस बनाने से पहले आपको जो बेस लेवल का चीजें हैं उन सारी चीजों को समझना पड़ता है, क्योंकि वो चीज अगर नहीं समझेंगे तो आप वो लेवल का पेंटिंग बना ही नहीं पाओगे। उसी तरह जब भी हम कलरिंग या शेडिंग की बात करते हैं, तो उसका जो बेस लेवल का चीज है उन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाकर कि हम उस लेवल का या हाइपर रियलिस्टिक बना रहे या नॉर्मल कोई भी आप किसी भी मीडियम से ड्राइंग बना रहे, तो आप उस लेवल का शेड या कलरिंग कर पाएंगे। तो वही सारा चीज आज डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसको निकाल लीजिए, क्योंकि आज जो मैं पॉइंट बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो काफी आपको आगे जाके काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन एक सेकेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट अभी वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ, तो हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख करके नोट डाउन करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे ही वीडियो देख करके टाइम पास करके चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पास आप टाइम पास करने तो नहीं आए, कुछ सीखने आए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग को सीखना चाहिए। तो पहले हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हम लोग सेट किस तरह से करें और उसमें क्या क्या हम लोग को समझना जरूरी है, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उसमें जो जो चीज़ हम लोग को सीखना चाहिए वो सारा चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि शेडिंग एंड कलरिंग करने समय हम लोग किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, लाइट एंड डार्क एरिया क्या चीज़ होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल एक सर्कल बना करके उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ों को, क्या क्या पॉइंट्स को हम लोग को नोट डाउन करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स को अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो हमारा आता है की लाइट। मान के चलिए मैं यहाँ पर एक बॉल बनाया हूँ, स्टील बॉल समझ लीजिए, और एक लाइट ऊपर से पड़ रही है, तो एक बीच में थोड़ा सा लाइट एरिया जो हाईलाइट हमारा बन जाता है वो हमारा की लाइट कहलाता है। तो इसको नोट डाउन भी कीजिएगा आप। और नीचे जो मैं एक लाइन दे रहा हूँ, जो हमारा बीच का सर्कल है उसके बीच का जो एरिया है वो हमारा फिल लाइट कहलाता है, मतलब वो एरिया थोड़ा सा डार्क रहेगा। और नीचे का एरिया भी जो है वो डार्क है, और जो बीच का एरिया है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग लाइट कहलाता है, यानी कि बाउंस लाइट, यानी कि नीचे से जो हमारा लाइट टकरा करके उसमें जा रहा है वो हमारा बाउंस लाइट कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक 4B पेंसिल ले करके जो हमारा फिल लाइट एरिया है उसको सेट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल मैं लाइन दे करके उस शेडिंग को करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पास मैं किसी भी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बेसिक लेवल का शेडिंग सीख रहे हैं। तो बेसिक लेवल में कोशिश कीजिएगा कि आप ब्लेंडर या ब्रश, किसी भी ब्लेंडिंग टूल का यूज नहीं करें। आप नॉर्मल एक पेंसिल ले करके डायरेक्ट उससे शेड करने की कोशिश करें, जिससे आपका जो प्रेशर कंट्रोल है वो इम्प्रूव होगा। तो अब मैं यहाँ पास 6B पेंसिल लूँगा, 6B पेंसिल ले करके जो उससे जो डार्क एरिया है, जहाँ जहाँ हल्का सा डार्क एरिया है वहाँ मैं डार्क करूँगा, और जहाँ जहाँ हल्का सा पोर छूट रहा उस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करके उसे फील करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पास आपको फ्लैट वैल्यू रखना है, जहाँ पास मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए कहीं डार्क हो कहीं लाइट हो। अगर वैसे होता है तो आप नीडेड इरेजर का भी यूज करके उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास तो आप किसी तरह का ब्लेंडर का यूज़ नहीं कर रहे, तो आप नीडेड इरेजर से ही उस डस्ट को हटा सकते हैं वहाँ से। अब जो हमारा डार्क एरिया है और नीचे का जो लाइट एरिया है उसके जो बीच का वैल्यू है उसको मीडियम रखने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारा वैल्यू जो है वो स्मूथली लगे। अब जो हमारा नीचे का एरिया है उसको मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगा, ताकि वो लगे कि वो सरफेस पे रखा हुआ है। तो जब आप सेट करते हैं तो हो सकता है कि सेट करते करते आपका कुछ लाइन बाहर में निकल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेट करते रहिए। अगर बाहर निकलता है तो आप नीडेड इरेजर का यूज करके उसे रिमूव कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप स्लो सेट कर सकते हैं स्टार्टिंग में कीजिए। मैं यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको सारा पॉइंट्स को क्लियर कर सकूँ।
क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो गया तो फिर आप बोर होने लगोगे, है ना। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता सकूँ और आप भी उस चीज़ को सीख करके अपने ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कर सको। तो ये जो मैं बॉल का एग्जांपल लिया हूँ, इस चीज़ को आप हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फेस ड्राइंग, या फिर आप किसी तरह का लैंडस्केप बना रहे हैं, किसी भी तरह का ड्राइंग में आप इस तरह का शेडिंग का यूज कर सकते हैं। और डार्क एरिया, लाइट एरिया, और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा अभी, वो सारा पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपका जो ड्राइंग ये वो हाइपर रियलिस्टिक लगे, आपका जो ड्राइंग है वो उभर करके आए। और ऐसे नहीं है कि ये अभी परफेक्ट है, इसमें बहुत सारा गलती है, देख सकते हैं आप, कहीं कहीं डार्क एरिया है और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पोज छूटा है। वो सारा चीज़ को फील करना है आपको, उस चीज़ को सारा चीज़ को ऑब्जर्व करना है। तो आप जितना ज़्यादा इसमें टाइम दोगे उतना ज़्यादा वो रियलिस्टिक बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपका थोड़ा सा डार्क एरिया आ रहा है, जहाँ जहाँ हल्का सा पोज छूट रहा है, उस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद पेंसिल को शार्प करके उस एरिया में हल्का सा रफ करना है ताकि वो जो इस लुक्स है वो स्मूथली आए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं धीरे धीरे करके उसका जो वैल्यू है उसको इक्वली करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक जैसे ऊपर का वैल्यू है, थोड़ा सा डार्क एरिया है, उसको मैं नीचे में भी वहाँ पास थोड़ा सा डार्क वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ और हर एक पोज को फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हर एक पोज को फील करने के बाद हमारा जो लुक्स है वो कुछ इस तरह से आएगा। अब भी थोड़ा बहुत जो कहीं कहीं छूट रहा है, हल्का हल्का कहीं डार्क एरिया, कहीं कहीं लाइट एरिया, उस चीज़ को हल्का से ऑब्जर्व करना है, अपने माइंड में सोचना है कि कहाँ पास डार्क एरिया हो सकता है, कहाँ पास लाइट एरिया हो सकता है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। लाइक अगर राइट साइड से लाइट आ रहा है तो लेफ्ट साइड में हल्का सा डार्क एरिया आएगा, वो सारा चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है, सारा चीज़ को देखना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो अब यहाँ पास मैं शेडो ऐड कर रहा हूँ। लाइक अगर राइट साइड से लाइट आ रहा है तो लेफ्ट साइड में शेडो बनेगा, तो वो शेडो को मैं ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पास जो मैं पेंसिल लिया हूँ वो सबसे लाइट पेंसिल लिया हूँ ताकि वो जो हमारा शेडो है उसको प्रॉपर दिखा सकूँ, क्योंकि बॉल के नज़दीक जो एरिया है वो हल्का सा डार्क होगा। जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा वो धीरे धीरे लाइट होता चला जाएगा। तो वो दूर का एरिया के लिए मैं थोड़ा सा लाइट पेंसिल लिया हूँ, क्योंकि जब भी हम शेडिंग करते हैं तो हमें वैल्यूज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। तो वैल्यूज़ को ध्यान में रखने के लिए हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लाइट वैल्यूज़ ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें धीरे धीरे जा करके डार्क वैल्यूज़ ऐड करते हैं। तो यहाँ पास भी मैं सबसे लाइट पेंसिल लिया, फिर धीरे धीरे उसमें डार्क वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ ताकि वो जो हमारा शैडो है वो प्रॉपर लगे, क्योंकि वो सरफेस में नीचे रखा हुआ है तो वो जो सबसे बॉल की जो नज़दीक एरिया है वो थोड़ा सा डार्क एरिया होगा। उसके बाद जो धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है वो धीरे धीरे जा करके वो लाइट होता चला जाएगा। तो यहाँ पास अगर मैं डायरेक्ट अगर डार्क वैल्यूज ऐड करता तो हो सकता था वो उस तरह से लुक्स नहीं आएगा, प्लस उसमें लाइट एरिया ऐड करने में दिक्कत आता। तो यहाँ पास भी हल्का सा देख सकते हैं, हल्का सा डार्क हो गया, तो वहाँ पास मैं नीडेड इरेजर का यूज़ करके रिमूव किया। और अब मैं थोड़ा सा और डार्क पेंसिल ले रहा हूँ, लाइक 4B पेंसिल, और 4B पेंसिल ले करके मैं वहाँ पास हल्का सा डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरह धीरे धीरे करके डार्क वैल्यूज ऐड कर करके वो शैडो लगने लगेगा। तो यहाँ हमारा स्टील बॉल रेडी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके की पॉइंट्स को, कि क्या क्या पॉइंट्स को हम लोग को समझना चाहिए। तो हर एक पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, और आई होप कि आपके पास कॉपी पेन भी होगा तो उस चीज़ को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो आगे जा करके काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पास देख पा रहे होंगे जो मैं स्टील बॉल बनाया हूँ उसमें एक बीच में लाइट एरिया है, तो इस लाइट एरिया को हम लोग कहते हैं की लाइट। क्योंकि अगर किसी भी तरह का रोशनी या प्रकाश जो किसी बॉल पे जाता है तो बीच में एरिया, बीच के एरिया में हल्का सा लाइट एरिया बन जाता है, और धीरे धीरे जैसे वो दूर जा रहा है हल्का हल्का वो डार्क एरिया होता चला जा रहा है। तो इस जो बीच का एरिया है उसको की लाइट बोलेंगे, और जो किनारे के हल्का सा डार्क एरिया आ रहा है उस एरिया को हम लोग फील लाइट कहेंगे। या सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ रहा उस जगह को हम लोग फील लाइट कहेंगे। अब उसके नीचे के एरिया को देखता हूँ, तो जब भी कोई लाइट ऊपर से पड़ रहा है तो वो डायरेक्ट ज़मीन पे भी पड़ रहा है, तो ज़मीन से जो लाइट रिफ्लेक्ट करके डायरेक्ट बॉल पे पड़ रहा है तो वो लाइट जो पड़ रहा है उस लाइट को कहेंगे हम लोग बाउंस लाइट। तो इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, और आपके किसी भी पोर्ट्रेट ड्राइंग या किसी भी तरह का ड्राइंग में आपको ये भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये सब पॉइंट को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और जो हमारा सबसे लास्ट का पॉइंट है वो है रिम लाइट। तो रिम लाइट होता क्या है, तो जब भी हम कोई जैसे कि ये सर्कल बनाए, तो सर्कल बनाने के बाद सर्कल में देख पा रहे हैं कोना में हल्का सा एक लाइट एरिया है, तो वो लाइट एरिया को ही कहेंगे हम लोग रिम लाइट।
ओके और इसके लिए मैं एक शैडो भी ऐड किया हूँ, तो शैडो को भी ध्यान से देखिएगा। तो शैडो जो एरिया है वो डार्क टू लाइट की ओर जा रहा है, जैसे जैसे मतलब बॉल के नज़दीक का एरिया है वो हल्का सा डार्क एरिया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो दूर जा रहा है वो लाइट होता चला जा रहा है। और शैडो भी दो तरह का होता है, एक होता है कार्ट शैडो और दूसरा होता है सेल्फ शैडो। कार्ट शैडो का मतलब हो गया जो सरफेस पर होता है या डायरेक्ट या वो वॉल पे डायरेक्ट जो पड़ता है वो सारा चीज़ हमारा कार्ट शैडो कहलाता है। और सेल्फ शैडो का मतलब होता है जिसका शैडो खुद पे पड़ता है, तो यहाँ पर जो नीचे का एरिया है वो हमारा सेल्फ शैडो कहलाता है, क्योंकि वो सेल्फ से वो नीचे से टकरा के उसमें शैडो जो बन रहा है, डार्क एरिया बन रहा है, वो सेल्फ शैडो कहलाया। तो ये सारा पॉइंट्स को आई होप कि आपने नोट किया होगा, और इस पॉइंट्स का यूज करते करते कैसे हम किसी भी तरह का ड्राइंग बनाएंगे वो सारा चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये तो सिंपल एक एग्जांपल मैं लिया था सर्कल का, और ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल लेकर के ड्राइंग करूँगा जिसको आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो चलिए अभी वीडियो को यहीं पास क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।